Hello children, good afternoon. Say good afternoon. Say loudly. Very good. So students, सबसे पहले आपको क्या करना था, लिंक ओपन करके, कौन सा लिंक? प्रेयर एंड नेशनल एंथम. ओके, प्रेयर लिंक ओपन करके आपको कैसे करना, हैंड्स ज्वाइन करके प्रेयर करनी. ओके, एंड नेशनल एंथम के टाइम पे स्टैंड स्ट्रेट, खड़े रह के नेशनल एंथम करना है. ओके, सबको समझ में आया? 10. आज हम लोग का कौन सा लेक्चर है? मैथ्स है ना. टुडे इज अवर मैथ्स लेक्चर. ओके, सो स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स, पेंसिल एंड इरेजर. आपको बुक्स ओपन करनी है. कौन सी बुक? स्क्वायर वाली है ना, बिग स्क्वायर वाली बुक. ओके, तब तक मैं यहाँ पे डेट डालती हूँ. ओके, व्हाट इज टुडेज डेट स्टूडेंट्स? राइट, 6. ओके, व्हाट इज टुडेज डेट? 6/7. 21. ओके, मैथ्स. स्टूडेंट्स हम लोग का है, कौन से नंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं? हम लोग ने नंबर 1 एंड नंबर 2 कंप्लीट किया है ना. सबको आया लिखने के लिए नंबर 1 एंड नंबर 2? देन आज हम लोग 2 नंबर देखेंगे, नंबर 3 एंड नंबर 4. ओके, स्टार्ट करें. राइट योर टॉपिक नंबर 3. नंबर 3. ओके, मैं एनी 3 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करती हूँ. वन टू थ्री. ओके, काउंट करो मेरे साथ. 1 2 3. ओके, 3 ट्राइंगल्स टीचर ने ड्रॉ की. ये ट्राइंगल्स आपने शेप्स में लर्न किया है ना, जो टीचर आपको शेप्स सिखाते थे उसमें ये ट्राइंगल था ना. देन 1 2 3. ओके, तो स्टार्ट करें. सब लोग ने बुक्स निकाले. 3 3 हम लोग को कैसे ड्रॉ करना है? राइट कर्व. ओके, राइट कर्व, देन उसी को ज्वाइन करके हम लोग को क्या करना है? अगेन राइट कर्व. तो ये हम लोग का हो जाएगा नंबर 3. ओके, कैसे किया टीचर ने? राइट कर्व, देन अगेन ज्वाइन राइट कर्व. तो आपका ये नंबर कौन सा हो जाएगा? 3. ओके, नंबर 3 कंप्लीट. अगेन सी योर राइट कर्व. ओके, then again join right curve. तो ये आपका नंबर हो जाएगा 3. ओके, नंबर 3, 1 2 and 3. ओके, सबको आ रहा है? स्टार्ट करो मेरे साथ. राइट कर्व, देन अगेन राइट कर्व, नंबर 3. ओके, सबको समझ में आ रहा है? अगेन राइट कर्व, अगेन राइट कर्व, नंबर 3. आपको स्लोली स्लोली लिखना है, नीट एंड क्लीन. ओके, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए. ओके, अगेन राइट कर्व, अगेन राइट कर्व, नंबर 3. ओके, सबको दिखाई दे रहा है? अगेन
Next line. Right curve. Again right curve. Number 3. Okay. You have to say and write. Okay. आपको बोल बोल के ही लिखना है. Again. Like this. Okay. Right. Number 3. जिनको आता है उनको डायरेक्टली लिखना है, लेकिन जिनको नहीं आता है अभी तक लिखने के लिए उनको क्या करना है, फर्स्ट हम लोग ने जो राइट कर्व सीखे थे वो, देन अगेन उसको ज्वाइन करके ऐसे. ओके, तो ये आपका नंबर 3 हो जाएगा. ओके, लेकिन आपको कुछ भी हो जाए आपको ये खुद से ओन से ही करना है. ओके, आपको मम्मी पापा का हाथ पकड़ के होमवर्क कंप्लीट नहीं करना है. ओके, अगेन नंबर 3. ओके, नंबर 3 कंप्लीट. अगेन नंबर 3. 1, 2 and 3 कंप्लीट. Again, right curve, again right curve, number 3, okay, again, number 3, complete this, again. Number 3. Complete this. Write number 3. Okay. सबको समझ में आ रहा है? Complete this. ऐसे 3 लिखा हम लोग ने. Write curve. Then again. राइट कर्व नंबर 3. ओके, इजी है, आपको अच्छे से स्लोली स्लोली लिखना है. कंप्लीट. अगेन राइट कर्व एंड अगेन जॉइन राइट कर्व. कंप्लीट नंबर 3. ओके, अगेन right curve and again right curve number 3. Okay, 1, count this triangle, 1, 2 and 3. Okay, again number 3. Okay, complete. Again, number 3, complete. Number 3, complete this. और ये आपको पेज होमवर्क कितने टाइम्स करना है? 2 टाइम्स. ओके, कंप्लीट. आपको ये पेज होमवर्क कितने टाइम्स करना है? 2 टाइम्स. ओके, नंबर 3, कंप्लीट दिस. ओके, नेक्स्ट नंबर 4. ओके, काउंट करो मेरे साथ, 1, 2, 3 and 4. ओके, नेक्स्ट नंबर आफ्टर 3 विच नंबर विल बी कम? नंबर 4. ओके, 1, 2, 3 then 4. ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 4, नेक्स्ट पेज. ओके, आपको न्यू पेज निकालना है. राइट योर कॉपी. नंबर 4. ओके,
मैं यहाँ पे फोर ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करती हूँ, वन टू थ्री फोर। ओके, आपको भी ऐसे बुक में ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं। ओके, काउंट करो मेरे साथ कितने ऑब्जेक्ट्स है। टीचर ने करेक्ट ऑब्जेक्ट्स काउंट ड्रॉ किए कि नहीं, वन टू थ्री एंड फोर। अगर आपको काउंट करने नहीं आता तो आपको कैसे करना है, ये ऑब्जेक्ट्स कट करके। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, वन टू थ्री फोर। ओके, हाउ मेनी बॉल्स, फोर बॉल्स। ओके, वन टू थ्री फोर। ओके, और कोई यहाँ पे है नहीं ना, तो आपको ये ऐसे कट करके अगर आप काउंट करते हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपने करेक्ट काउंट की। ओके, वन टू थ्री एंड फोर। ओके, अभी हम लोग नंबर देखेंगे फोर। अभी नंबर फोर कैसे लिखना है, तो हम लोग ने स्लांटिंग लाइन सीखे थे, स्लांटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, है ना। तो इसी वही लाइन्स के हेल्प से हम लोग को नंबर फोर निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, क्या ड्रॉ करना है, स्लांटिंग लाइन। ओके, स्लांटिंग लाइन, देन स्लिपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन। तो ये हम लोग थ्री लाइंस जॉइन करके आपको कौन सा नंबर होगा, नंबर फोर। ओके, स्लांटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन। ओके, अगेन आई एक्सप्लेन, सी हियर, स्लांटिंग लाइन। ओके, स्लांटिंग लाइन, देन स्लिपिंग लाइन। ओके, स्लांटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, देन वन स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया आपका नंबर फोर। ओके, कंप्लीट नंबर फोर। कैसे किया टीचर ने, स्लांटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन, है ना। हम लोग ने ये लाइंस पहले ही लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं ना, तो उसी हेल्प से आपको ये नंबर फोर लिखना है। ओके, जिनको अच्छे से आता है तो उनको डायरेक्टली ऐसे नंबर फोर लिखना है। ओके, पर जिनको नहीं आता है उनको क्या करना है, स्लांटिंग लाइन, ओके, देन स्लिपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन। ओके, नंबर फोर, कंप्लीट दिस नंबर फोर, कंप्लीट अगेन, स्लांटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन, नंबर फोर। ओके, कंप्लीट एवरीवन, फर्स्ट लाइन कंप्लीट। कैसे लिखना है, अगेन स्लांटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। ओके, तो ये आपका हो गया नंबर फोर, कंप्लीट एवरीवन, अगेन स्लांटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड अगेन स्टैंडिंग लाइन। जिन्होंने ये लाइंस खुद से ड्रॉ किए थे उनको ये फोर इजी हो जाएगा। ओके, अगेन स्लांटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन, नंबर फोर। ओके, एंड स्टूडेंट्स आपको डेली टू डेली होमवर्क कंप्लीट करके उसी दिन सेंड करना है। ओके, सेकेंड डे, थर्ड डे, इतना लेट नहीं करना है। ओके, जैसे आज हम लोग का लेक्चर हो जाएगा तो उसी दिन आपको वो होमवर्क सेंड करना है। ओके, इंग्लिश का भी एंड मैथ्स का भी। ओके, कंप्लीट अगेन, स्लांटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन। तो ये आपका नंबर हो गया फोर, है ना, कंप्लीट। एंड आपको ऐसे डेट एंड टॉपिक ड्रॉ लिखना ही है। ओके, पेरेंट्स बच्चों को डेट एंड टॉपिक लिख के दीजिए ताकि उनको वो समझ में आ जाए।
ये आपको हैबिट बाद में हम लोग को आफ्टर दिवाली के बाद आपको ये खुद से करना है, इसके लिए आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके अगेन नंबर फोर, कंप्लीट दिस एवरीवन। अगेन नेक्स्ट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, देन स्लिपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन नंबर फोर। ओके अंडरस्टूड एवरीवन? नंबर फोर, ड्रॉ अगेन स्लैंटिंग लाइन, स्टैंड स्लिपिंग लाइन, देन वन स्टैंडिंग लाइन नंबर फोर। कंप्लीट दिस अगेन, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन, कंप्लीट नंबर फोर अगेन, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन। जैसे टीचर आपको बोल बोल के सिखा रहे वैसे ही आपको लिखने के टाइम पे लर्न करना है, रिपीट करना है। ओके नंबर फोर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएगा। नंबर फोर कंप्लीट अगेन, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन नंबर फोर। ओके थ्री एंड फोर, नंबर फोर कंप्लीट एवरीवन। अगेन स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन नंबर फोर कंप्लीट। राइट अगेन, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन नंबर फोर। कंप्लीट नंबर फोर। और ये भी पेज आपको होमवर्क टू टाइम्स करना है। कंप्लीट नंबर थ्री एंड नंबर फोर। ओके टोटल हम लोग के फोर नंबर्स कंप्लीट हो चुके। ओके वन टू थ्री एंड फोर। ओके सबको समझ में आया? जो भी हम लोग का प्रैक्टिस टेस्ट होगा उसमें ये सब आने वाला है, तो आपको अच्छे से ये लर्न करना है एंड आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। ओके वन टू थ्री एंड फोर कंप्लीट दिस। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे शेप्स। ओके सो चिल्ड्रन, ओपन दिस बुक लेवल बी, बुक नंबर वन। ओके एंड ओपन द पेज नंबर 24। सबको समझ में आया? टू टू टाइम्स होमवर्क करना है पेज, देन हम लोग अभी ये लर्न करेंगे पेज नंबर 24। ओके व्हाट इज दिस ऑल शेप्स, क्या बोलते हैं इसको शेप्स। ओके ये हम लोग ने पहले टू लेक्चर्स में भी कंप्लीट कर चुके हैं, मैं अगेन आपको ये रिवाइज करती हूँ। ओके से सर्कल, से लाउडली आपको फिंगर्स बुक में रखना है एंड आपको बोलना है। ओके सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल। ओके स्टूडेंट्स रिपीट आफ्टर मी। ओके आपको मेरे पीछे बोलना है सर्कल, से लाउडली सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल। ओके और जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको ये यहाँ पे नीचे जो एक्टिविटी दिया है मैच द शेप्स टू द ऑब्जेक्ट, जिन्होंने ये अब तक कंप्लीट नहीं किया है उनके लिए भी ये आपको क्या करना है शेप्स या ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या करना है मैच करना है। ओके सर्कल, सर्कल में यहाँ पे क्या दिया है व्हील्स है ना, तो ये सर्कल से इसको मैच करना है। ट्रायंगल, ट्रायंगल से क्या क्या दिया है सैंडविच, तो ये आपको क्या करना है मैच। ओके देन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से हम लोग को क्या दिया है एनवलप, तो यहाँ से मैच करना है।
देन स्क्वायर, स्क्वायर में हम लोग को क्या दिया है, हैंडकरचीफ एंड ओवल के साथ एग। तो आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है ये बुक में। ओके, सबको समझ में आया शेप्स, ये भी आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके, देन इसके आगे के नंबर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू, टेक केयर।